कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, धीसू और माधव। धीसू पिता है और माधव उसका पुत्र है। दोनों ही आलसी और कामचोर हैं। धीसू एक दिन काम करता है और 3 दिन विश्राम। माधव भी आधा घंटा काम करता है और घंटा भर चिल्लम पीता रहता है। गांव में काम की कमी ना थी, परंतु उन दोनों को कोई मजदूरी पर नहीं बुलाता था। उनका काम था रात में कहीं से लकड़ी तोड़ लाना, खेतों से गन्ने या आलू या मटर चुरा लाना, और वे उसी से अपना पेट भरते थे। उनके पास घर के नाम पर एक झोपड़ी थी और बाकी संपत्ति के नाम पर घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन थे। फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काट रहे थे। जब बिल्कुल फटके रह जाते तो कोई ना कोई बहाना बनाकर मांग कर खाते थे, जिससे एक बार उधार लिया दोबारा कभी दिया नहीं। यदि कोई मरता पीटता तो उन्हें कोई गम नहीं था। कर्ज से लदे थे तो भी इन्हें कोई चिंता नहीं थी। अभिश्राप से घेर कर भी आराम से रह रहे थे। घीसू के जीवन से 60 वर्ष निकल गए थे। उसकी 9 संतानें थीं, परंतु उनमें से केवल माधव ही बचा था। अब माधव भी अपने पिता के कदमों पर चल रहा था, मानो अपने पिता का नाम रोशन कर रहा हो। गत वर्ष ही माधव की शादी हुई थी। उसकी पत्नी अत्यंत भोली और मेहनती थी। उसने आकर उनके खानदान के सब लोगों का ध्यान रखा और सबको व्यस्त रखा था। वह लोगों के घरों में काम करती और मजदूरी करके इन दोनों का पेट भरती थी। अब ये दोनों ज़्यादा आराम फरमाने लगे। विवाह के 1 वर्ष पश्चात माधव की पत्नी बुंदिया प्रसव वेदना से खरा रही थी और झोपड़ के बाहर बाप बेटे दोनों कहीं से चुरा कर लाए आलूओं को भून रहे थे। सर्दी की ठंडी रात थी, गांव सोया पड़ा था। झोपड़ी के अंदर बुंदिया प्रसव वेदना से चिल्ला रही थी। वे इतनी पीड़ा ग्रस्त थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाता था, परंतु वे दोनों भुने हुए आलू खाने में लगे हुए थे। दोनों में से कोई बुंदिया के पास नहीं जाना चाहता था। उनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। धीसू ने माधव को बुंदिया के पास जाने के लिए कहा। माधव को भय था कि अगर वह बुंदिया को देखने झोपड़ी में गया तो धीसू सारे आलू खा जाएगा। वह बुंदिया के तड़प तड़प कर मरने से चिंतित नहीं थे। वे सोच रहे थे कि अगर बुंदिया मर जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वह इन सब दुखों से मुक्त हो जाएगी। आलू खाने के बाद दोनों ने पानी पिया और वहीं चद्दर ओढ़कर सो गए। बुंदिया के दर्द को और चिल्लाहट को उन्होंने अनसुना कर दिया। बेचारी रात भर तड़पती रही और उसके प्राण छूट गए। उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। सुबह उठकर देखा तो मरी पड़ी बुंदिया। बुंदिया के मुंह पर मक्खियां भिन-भिना रही थी। सारा शरीर लहू से सना हुआ था। दोनों ने बनावटी रोना प्रारंभ किया। गांव इकट्ठा हो गया। कोई मृतक बुंदिया को देखता तो कोई उन्हें दिलासा देता था। सब अब उन्हें बुंदिया के देह संस्कार के लिए लकड़ियों और कफन की चिंता थी। दोनों रोते रोते जमींदार के पास गए। आंखों में दीनता के आंसू भरकर धीसू ने जमीन पर
सिर रख कर कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई, रात भर हम उसकी सेवा करते रहे, दवा दारू से जो भी हो सका सब कुछ किया, पर वो हमें सबको छोड़ के चली गई। दीसू ने अपने मालिक से कहा, आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। जमींदार उनसे घृणा करता था, तो भी उन्होंने 2 रुपए फेंक दिए, और जो वहाँ काम करते थे जमींदार, उन्होंने भी देखा और उन्होंने भी कुछ पैसे उन्हें दे दिए। कुल 5 रुपए जमा हो गए। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ियाँ। आज पहली बार वे 5 रुपयों के मालिक बने थे। दोपहर को वे कफन खरीदने बाजार चले गए। बाजार जाकर वे सोचने लगे कि कोई हल्का सा कफन ले लें, लाश उठाते हुए रात हो जाएगी, तब कफन पर किसका ध्यान जाएगा। उनके मन में विचार आया कि कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढापने को चिथड़ा तक ना मिला, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन देखते देखते वह मधुशाला यानी शराब खाने के पास पहुंच आए। उन्होंने शराब की एक बोतल खरीदी, सामने की दुकान से पूड़ियां और चटनी भी खरीदी। दोनों अपनी भूख को शांत करने लगे। बीच बीच में उन्हें कफन की भी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि पड़ोसी कफन का तो प्रबंध कर ही देंगे। भर पेट खाने के बाद माधव ने बची हुई पूड़ियों की पत्तल भिखारी को दे दी, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। किसी को देने के गौरव, आनंद और उत्साह का अनुभव उन्हें जिंदगी में पहली बार हुआ था। दीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। अंत में दोनों भोजन और नशे में मस्त होकर नाचने तथा गाना गाने लगे। मधुशाला में सभी उनको देख रहे थे। वह उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, आखिरी नशे में मस्त होकर वहीं गिर पड़े।